वो है AR रहमान, एक एग्जांपल है। हमारे इतने सारे म्यूजिक कंपोजर्स AR रहमान क्लासिकल बैकग्राउंड से हैं, उनकी चीजों में, उनके गानों में, जैसे अभी मैंने ब्रेकडाउन जब उस पूरे गाने का किया, इतना यूज किया उस समय जब समझाया, हारमोनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मूर्छना का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लाइट में ये सारी चीजें यूज ही नहीं आती हैं। अरे यूज करने वाला होना चाहिए, इतनी बारीकी से आप करके निकल जाओगे मालूम नहीं चलेगी बात। और वही बात मैं आपको भी बोलूंगा कि प्रशंसा और आलोचना दोनों करने के लिए ज्ञान जरूरी है। टू अप्रिशिएट, टू प्रेज और टू भाई उसमें क्रिटिसाइज, यू नीड नॉलेज उस चीज का। क्रिटिसिज्म भी करने के लिए तो ठीक है, चाहिए ही चाहिए, पर अप्रिसिएशन करने के लिए भी चाहिए। आप ये कहें कि मायरी क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना है, अच्छा क्या बढ़िया है उसमें, ये कौन बताएगा? अच्छा लगा आपको, क्या अच्छा लगा वो बताओ। उसको भी बताने के लिए इल्म चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, है ना। इसीलिए सीखते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए ये सारी चीजें, विकट विकट चीजें सीखी जाती है। शास्त्रीय संगीत जरूरी है, शास्त्रीय संगीत कलाकार मत बनो। मैं कब कह रहा हूं कि जाओ स्टेज पे रागदारी प्रस्तुत करो, पर आपकी गायकी में वो रागदारी दिख जाएगी। जगजीत साहब की दिखती है, राग सीखी है, गाते नहीं है राग, पर उनकी गजलों में रागदारी दिखती है। राग ललित है, बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं हर शनिवार को, हर शनिवार शाम 8 से 9 प्राइम टाइम। आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें संगीत के अच्छे अच्छे कलाकारों को हम यहां आमंत्रित करते हैं और आप सब से मिलवाते हैं। मा 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 पा पा दा ने पा रे मा पा सा दा ने पा रे ने सा दा ने पा ने मा पा गा मा रे सा मेरे दुख के कोई दवा न करो, मेरे दुख की कोई दवा न करो, मुझको मुझसे अभी जुदा न करो, मेरे दुख की कोई दवा न करो। सुदर्शन फाखर, उनकी लिखी गजल है ये, और कंपोजिशन मैंने करी इसकी थोड़ी बहुत। चलिए, तो आज का सवाल क्या है, आज का टॉपिक क्या है? कुछ देर पहले एक स्टूडेंट से, जब ऑनलाइन क्लास हो रही थी संगीत धारा ऐप पर ही, तब एक सवाल उन्होंने मुझसे किया, अर्चना गुप्ता जी उनका नाम है ना। उनको मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ जवाब दिया, जो मुझे लगा कि बहुत लोगों का सवाल है, तो ये जवाब सभी को मिलना चाहिए, इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप सामने बैठे भी तो आपने तो खैर वो बात सुनी ही है, जानी ही, पर कुछ लोग जो अभी यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो भी नए बैठे हैं, और बाकी हमारी जनता तो नहीं है ही। सवाल बड़ा ही सही था, ऐसा कुछ गलत उन्होंने नहीं पूछा, कुछ उल जुलूल नहीं पूछा, सीधी सी बात पूछी कि शास्त्रीय संगीत आप लोग सिखा रहे हो, इतनी गहरी गहरी चीज़ें सिखा रहे हो, आपको भी अभी मैं बाहर बता ही रहा था, है ना, 4/3 गुना 2 गुना 3 गुना, है ना, 1.6 कैसे होता है, 2 गुन 4 गुन कैसे होती है, लय की इतनी विकट चीज़ें, राग रागदारी अलंकार को इतने ढंग से गाने का तरीका, जो उस दिन बैठ के मैं आपको समझा रहा था, दीपचंदी आपको सिखाई मैंने, अलग अलग ताले हम सीख रहे हैं, अभी तो 14 सीखे हम, 15 भी सीखेंगे, 9 भी सीखेंगे, जो अप्रचलित हैं, जो अल्प प्रचलित हैं, ऐसी ताले भी हम सीखेंगे, रागों के बारे में हम जानेंगे। हाँ, बिलावल सीख रहे हैं, बिलावल के पीछे इतने टाइम से पड़े हुए हैं, इसमें इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, सरगम गीत की इतनी सारी लयकारियाँ कर रहे हैं, तियाइयाँ सीख रहे हैं हम, ख्याल सीख रहे हैं, ख्याल में अलापतान सीख रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत में। आपको संगीत प्रभा वर्ल्ड का जो सिलेबस है, जो पिताजी हमारे हैं, उन्होंने बताया कि भाई 1 से 8 गुने की आप सारी लयकारियाँ कीजिए, कोई नहीं सिखाता है, सब कहते हैं ठीक है, हाँ 2 गुन 4 गुन हो गया, इतने में काफ़ी है, चलो बस ये ताल का चैप्टर क्लोज, अब राग पे आओ, भोपाली यमन जो भी है वो गाओ। पर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि 1 से 8 गुने तक सब जाओ, 5 गुना 7 गुना, जिसको लोग को पता भी नहीं, अच्छा ये भी कोई गुना होता है। अभी हम बैठ के मैंने आपको बताया कि 1.5 और 1.75 उसके बीच की लय मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, लोग तो 1.5 और 1.75 तक भी नहीं जाते, मैं तो उसके भी बीच की लय आपको समझा रहा हूँ। 2/8 लोग करते हैं, मैं आपको 2/8 के बीच की लय बता रहा हूँ, है ना, जो मैंने बताया कि भाई 2/3 करो, कि वो 1/2 और 2/3 के भी बीच की है, और वो भी 1.5 से आगे, 1.5 के आगे, 1.6 गुना आपको मैं बता रहा हूँ। तो इतनी अजीबो गरीब हम चीज़ें सीखते हैं, इतनी शास्त्रगत हम चीज़ें सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, सीधा सवाल उनका था।
ये सीखने की क्या जरूरत है, हम तो भाई लाइट म्यूजिक करना चाहते हैं, हम आपकी तरह शास्त्रीय संगीत के कलाकार नहीं बनना चाहते, तो हमें क्यों जबरदस्ती ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। हाँ आपने कहा है इसीलिए हम सीख रहे हैं, क्योंकि गुरु का आदेश है इसलिए सीख रहे हैं, पर क्यों सीख रहे हैं, इसकी कोई वजह है पीछे, है ना। अगर हमें लाइट म्यूजिक गाना है, जैसे उन्होंने बोला मैं तो कैरियोके पे गाना गाना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे जने हैं, आप में से भी होंगे, आप में से पांच जने यहाँ बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप पांच में से एक भी शास्त्रीय संगीत का कलाकार नहीं बनना चाहता, एक भी राग नहीं प्रेजेंट करना चाह रहा स्टेज पे, और न ये तमन्ना लेके आए थे, है ना। इच्छा तो यही लेके आए थे भाई, फिल्मी गाने सुने हैं तो फिल्मी ही गाने हैं, वही देखा था तो वही करना है ना, वही आपका लक्ष्य था, जब तक जितना ज्ञान था उस हिसाब से लक्ष्य था। अब ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे समझ आएगी कि अच्छा सत्य क्या है, उस अनुसार लक्ष्य भी बदल जाएगा। लक्ष्य लेके भले ही नहीं आए थे कि शास्त्रीय संगीत के कलाकार बनना है, हमें राग दारी या राग प्रेजेंट करनी है या राग सीखनी है, है ना। जैसा कि इन्होंने बोला ना, किस किस से मैं नफरत करता था अब तक, और अब वही सारी चीज़ें सीखने का मन कर रहा है, हारमोनियम हो, तबला हो, है ना। ऐसे बहुत लोग हैं जो शास्त्रीय संगीत सुन के क्या आऊ आऊ कर रहे हैं, ये तालियां वालियां, भाई आप कह रहे हो भाई सड़क पे हम लोग खड़े होकर गिनतियां गिन रहे हैं, लोग समझेंगे गिनती नहीं आती हमको, तो ये सबके मन का है ना, इनका नहीं, ये सबका मन का है कि हम क्यों सीख रहे हैं ये सारी चीज़ें और क्या ज़रूरत है, शास्त्रीय संगीत क्यों सीखना है। सब लोग कहते हैं बेस ज़रूरी है, क्लासिकल बेस होता है, किस चीज़ का बेस होता है, है ना। हमारी इमारत का बेस है, हमारी बुनियाद है शास्त्रीय संगीत, तो क्यों है, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो उनको बड़ा सटीक सीधा मैंने जवाब दिया। एक चीज रह गई जो मैं उनको नहीं बोल पाया, जो अभी बाहर घूमते घूमते आई। हम सब, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग सब एजुकेट होते हैं, आप सब भी लोग हुए हैं, बचपन से हमें हर विषय पढ़ाया जाता है, गणित, भूगोल, विज्ञान, सारी चीजें पढ़ा रहे हैं हम, अंग्रेजी, संस्कृत, है ना। संस्कृत का पंडित बनना है क्या किसी को यहाँ? नहीं। वैज्ञानिक बनना है? नहीं। गणितज्ञ बनना है, मैथमेटिशियन, किसी को नहीं बनना है। जो मैथमेटिक्स के सवाल उसमें आते थे, पाइथागोरस थ्योरम, किसको अप्लाई करनी है जिंदगी में? अरे भैया जिंदगी में पैसा कमाना है वो बताओ कैसे कमाया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम का क्या अचार डालेंगे हम? हमें क्या करना कि वो राइट एंगल किससे इक्वल होता है ना, किसका कौन सा डिग्री, हमें क्या करना, क्यों सीख रहे हैं फिर हम वो सब? इंग्लिश में भी हम इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं, हमें नहीं बनना विदेशी, हमें अपनी भाषा ही नहीं सीखनी अंग्रेजी, हमें तो खाली हिंदी हमको आती है, काफ़ी है, हमारे घर में सब हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं, क्यों सीखूं मैं इंग्लिश? भाई घर में कोई इंग्लिश ही नहीं बोलता है तो मैं किसके सामने इंग्लिश बोलूंगा जो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ यहाँ? संस्कृत कहीं यूज़ नहीं हो रही आजकल, क्यों सीख रहा हूँ मैं ये? विज्ञान की इतनी सारी भाषा की, इतनी सारी बातें कि हमारी बॉडी में इतनी हड्डियाँ होती हैं, किसी ने नहीं पूछा मुझसे आज तक। मैंने उस किताब में उस समय पढ़ लिया था, उसके बाद आज तक कोई कहीं ये मुझे नहीं पूछा गया, हमेशा ये बोला जाता है कि ये काम करो इसके इतने पैसे मिलेंगे। तो जब सर्वाइवल के लिए पैसा ज़रूरी है तो मैंने क्यों सीखा विज्ञान की वो सारी चीज़ें, ये सवाल है ना। आप संगीत के बारे में पूछ रहे हैं ना, मैं आपसे यही सवाल ज़िंदगी के बारे में पूछने को कह रहा हूँ, है ना। स्कूल में भी तो पूछ सकते थे ना कि मुझे तो आगे चल के ये करना ही नहीं है, तो क्यों आप मुझे ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं? इंसान का बुद्धि का स्तर, IQ कहते हैं उसे, है ना, इंग्लिश में इंटेलिजेंस कोशेंट शायद उसका फुल फॉर्म है, और एक होता है EQ, इमोशनल कोशेंट। ये दोनों चीज़ें इंसान की बुद्धि का स्तर तय करती हैं कि वो कितना बुद्धिमान है, वो चीज़ों को किस ढंग से समझेगा, ये तय करती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन्हीं दोनों चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं जिससे हमारा बुद्धि का स्तर तैयार होता है, जिससे हम चीज़ें समझते हैं, ग्रास्प करते हैं। ये तालें आपको कहीं नहीं बोलनी है, लेकिन लय उतरने के लिए, अंदर आत्मसात करने के लिए हमें ये सारी लयकारियां और ये तालें सीखनी पड़ती है। उनका सवाल था 5 गुना 7 गुना ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो मैंने साफ बताया, मैंने कहा सीधी बात आपने बोली, 5 गुना 7 गुना लाइट म्यूजिक में इस्तेमाल नहीं होता है, शास्त्रीय संगीत की चीज़ है। शास्त्रीय संगीत में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी द्रुत में भी नहीं, मध्य भी नहीं, विलंबित लय में 5 गुने और 7 गुने का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ 1.5 गुना 1.75 गुना ये भी कोई इस्तेमाल नहीं करता है मध्य लय में, ये सारी विलंबित की चीज़ें हैं, और विलंबित आप गा भी नहीं रहे हो तब भी आप ये सीख रहे हो, क्यों? बुद्धि तैयार हो रही है, इससे बुद्धि का स्तर बढ़ रहा है, चीज़ों को समझने का नज़रिया वो चेंज हो रहा है आपके अंदर। फिर आप भले ही लाइट गाओगे, लेकिन उस लाइट को इस अंग से गाओगे, उस लाइट में ऐसी ऐसी चीज़ें गाओगे, लाइट यानी सुगम उपशास्त्रीय, उसको ऐसा ऐसा गाओगे जैसा कोई नहीं गाता है। मेहदी हसन साहब ने 1950-60 तक गज़लें नहीं गाई, क्लासिकल गाते थे वो, शास्त्रीय संगीत के गायक, और आज वो ऐसे गज़ल गायक के नाम से जाने जाते हैं, शहंशाह गज़ल बोला जाता है उनको, कि बादशाह हैं वो गज़ल के, जबकि वो तो लाइट गा रहे हैं भाई, तब भी वो लाइट को इस क्लासिकल अंग से गाते हैं, इतनी रागदारी है उनके गाने में। ऐसा नहीं कि मैं राग बिलावल प्रस्तुत कर रहा हूँ और राग बिलावल गाई है, नहीं, गज़लें गाई है सीधी सीधी, है ना।
कि मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, सबको पसंद आती है, पर वो इंसान ने वो बनाई कैसे? शास्त्रीय संगीत सीख के। तो उनकी बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है जब तबले वाला उनके साथ बजा रहा है, फिर वो भली कैसा भी गाएं। 1950 तक तो मैं क्लासिकल ही प्रोग्राम वगैरह करता रहा, बाद में जहन में कुछ और बात आ गई, उसी को लाइट बनाया मैंने, जिसमें सुनने से अपने आप को भी चैन मिले, सुनने वाले को भी चैन मिले। ज़्यादा मुश्किलात को मैंने लाइट में लिया है। मैं 1950 तक क्लासिकल ही प्रोग्राम करता था। मैं जगजीत साहब, सादी सादी कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये गाया है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, ये गाया है। लोगों को लगता है ये तो कोई भी कर सकता है, सीधी सीधी तो धुनें हैं, सीधा सीधी तो गायकी है, पर उस इंसान ने रियाज भी किया तब भी क्लासिकल का, और सीखा है तब भी क्लासिकल। हर चीज़ शास्त्रीय संगीतगत। गाते नहीं है तो क्या हो गया? कर खुश रंग संग दाता के, धुन गाओ दाता के, धुन गाओ दाता के, धुन गाओ दाता, धुन गाओ दाता, धुन गाता के, धुन गाओ दाता। राग ललित है। दे रे गामा, दे रे गामा, ललित लाले। देखिए ललित तो पूरी जो पोइट्री है, यही हमेशा से समझाया मैंने कि एक्सरसाइज और प्रेजेंटेशन में फर्क होता है, अभ्यास और प्रस्तुति में फर्क है। क्या प्रस्तुति कर रहे हो, है ना? सीधी सी बात, हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि भाई जब आप जिम में जाते हो तो बॉडी तैयार करते हो, तो भाई वो सारे बाइसेप्स बनाने के लिए आपको वो उठाने, डंबल उठाने, ट्रेडमिल पे जाते हो ताकि आपका लेग इंप्रूव हो, जो भी कार्डियो करने के लिए क्या करना पड़ता है, पुशअप्स, वो सब। पर प्रेजेंटेशन जब आती है तब वो सब थोड़ी करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी सिचुएशन आ गई है कि ये उठा के वहां रखना है, तो एक सेकेंड भाई ये लगा लूं मैं, वो नहीं करते हो आप। वो प्रेजेंटेशन नहीं, वो एक्सरसाइज है। प्रेजेंटेशन क्या है? ताकत का, चलो शक्ति प्रदर्शन, उठाओ और लेके जाओ, तो मालूम चलता है कितनी अर्जित करी है, कितनी इकट्ठी करी है, है ना? तो दिमाग तैयार होता है ऐसी चीजों को करने से। प्रस्तुत कहीं नहीं करनी है आपको, कोई नहीं पूछेगा 4/3 करके दिखाओ भाई, 3 ताल की नहीं पूछेगा। लेकिन एक टुकड़ा मैंने बजा के अभी जैसे ही दिया, मैंने बोला धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन दा तिट धा, ये छोटा सा टुकड़ा है, ये बजाओ। अगर ये 4 लयें आपने इंडिविजुअली नहीं सीखी तो इसमें आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये लय आपको आती हैं, है ना? ये चीज़ है। गाना अभी मुझ में कहीं, मैंने गाने को कह दिया अभी, तो ताली नहीं पता उसमें दीपचंदी लग रही है, तो उसमें चलोगे कैसे? तो ये चीज़ है। बुद्धि का स्तर जो है इससे बढ़ता है ऐसी चीज़ों को करने से। अब एक और जवाब मैंने उन्हें दिया था, जैसे शास्त्रीय संगीत में भी इसके अलग अलग वेरियंट यूज़ होते हैं, ये भी मैंने एक टॉपिक उनको समझाया था कि भाई 5 गुना दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, दा त्रि दिन ता, त्रि दिन दिन दा, इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका 5 गुना करना मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली। ऐसे वर्बली तो आप कर सकते हो, गणित से भी सॉल्व करके बता दोगे, हाँ इस लय का 5 गुना इतना होगा, 100 का 5 गुना 500 होता है, और 500 का 5 गुना कितना होगा, वो गणित से लगा सकते हो और वो हिसाब थ्योरी उसकी बन सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली उतना मुमकिन नहीं है। फिजिकली न गले से, न पाँव से, न हाथ से, बहुत ज़्यादा रियाज हो जाए तो शायद फिर भी मुमकिन हो, है ना? तो उस समय क्या किया जाए? उस समय उसके वेरियंट्स ढूंढे जाते हैं, है ना? जैसे मैंने बताया कि दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, दा तिन तिन ता, ता दिन दिन दा, इसमें 3 गुन करना भी मुश्किल है, 3 गुना ज़्यादा भी नहीं है, 3 गुना वो भी करना मुश्किल है क्योंकि बहुत तेज लय है। दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, दा तिन तिन ता, ता दिन दिन दा, है ना? ये फिर भी 3 गुने के थोड़ी करीब, तो ये बोला भी नहीं जा रहा है, बजेगा क्या? तो हम इसके वेरियंट्स ढूंढते हैं कि 3 गुने की फैमिली में कौन कौन आता है। 3, 6, फिर नीचे जाओ तो 1.5, और नीचे जाओ तो और क्या आएगा, है ना? 0.5, है ना? ये सारे इसकी फैमिली हैं। फिर 2 में 2 की फैमिली क्या है, 2, 4, 8, ये इसकी फैमिली, आधा, है ना? ये इसकी फैमिली है, ये इसकी फैमिली, मतलब ये इसी लीनियज में आते हैं, इसी जाति में आते हैं, जो ताल की जातियाँ मैंने बताई, तिस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण, ये जो जातियाँ हैं इसी में आते हैं सारे। 5 में जाओगे 5, 2.5, 1.5, है ना? ये सब इसमें आते हैं, ठीक है? 7 में जाओगे 7, 3.5, 2.5, ये इसकी फैमिलीज है। तो ऐसा नहीं कि भाई दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, दा त्रि दिन ता, त्रि दिन दिन दा, 7 गुना कैसे करोगे इसमें?
कर सकते हो क्या? इसका दोगुन नहीं कर पाओगे अभी मैं बोलूं, सिर्फ इसका दोगुन बोल के दिखाओ। इस लाइक दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा धन दादा दिन 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 दिन दा, ये दोगुन इतना तेज है, सोचो सात गुना कहां से जाएगा। तो सात का वेरिएंट क्या हुआ? पौने दो पे आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते, अब जैसे तिगुन नहीं हो सकता तो दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता, है ना, ये तीन गुने का ही वेरिएंट है, पौने पौन गुना, तो वो हम कर सकते हैं। इसीलिए हम ये सारी चीजें सीखते हैं। लाइट में पांच गुने का इस्तेमाल नहीं है लेकिन पौन गुने का इस्तेमाल है, तीन गुने का भी इस्तेमाल है, आप कर सकते हो। तो वो है ए आर रहमान एक एग्जाम्पल है। हमारे इतने सारे म्यूजिक कंपोजर्स ए आर रहमान क्लासिकल बैकग्राउंड से हैं, उनकी चीज़ों में उनके गानों में, जैसे अभी मैंने ब्रेकडाउन जब उस पूरे गाने का किया, इतना यूज़ किया उस समय जब समझाया तो हारमोनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मूर्छना का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लाइट में ये सारी चीज़ें यूज़ ही नहीं आती हैं, अरे यूज़ करने वाला होना चाहिए, इतनी बारीकी से आप करके निकल जाओगे मालूम नहीं चलेगा। मायरी में आपको बोलता हूँ अक्सर गाया करो, है ना, आपकी आवाज़ में अच्छा लगता है। मायरी में इतने सारे शिफ्ट हैं मदन मोहन जी ने दिए हैं, जो उनको समझोगे कैसे, है ना। और मैंने एक और उनको उन्हीं को अर्चना जी को समझाया था यही बात, और वही बात मैं आपको भी बोलूंगा कि प्रशंसा और आलोचना दोनों करने के लिए ज्ञान जरूरी है। टू अप्रिशिएट, टू प्रेज और टू भाई उसमें क्रिटिसाइज, यू नीड नॉलेज उस चीज़ का। क्रिटिसिज्म भी करने के लिए तो ठीक है, चाहिए ही चाहिए, पर अप्रिसिएशन करने के लिए भी चाहिए। आप ये कहें कि मायरी क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना है, अच्छा क्या बढ़िया है उसमें, ये कौन बताएगा? अच्छा लगा आपको, क्या अच्छा लगा वो बताओ। उसको भी बताने के लिए इल्म चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, है ना। इसीलिए सीखते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए ये सारी चीज़ें विकट विकट चीज़ें सीखी जाती है। शास्त्रीय संगीत जरूरी है, शास्त्रीय संगीत कलाकार मत बनो। मैं कब कह रहा हूँ कि जाओ स्टेज पर रागदारी प्रस्तुत करो, पर आपकी गायकी में वो रागदारी दिख जाएगी। जगजीत साहब की दिखती है, राग सीखी है, गाते नहीं है राग, पर उनकी गज़लों में रागदारी दिखती है। मोहम्मद रफ़ी साहब में वो दिखती है, मन्ना डे साहब में वो दिखती है, उनके गानों में दिखती, लाइट गा रहे हैं, है ना। अब जाहिर बात है आप गाना तो इन इतने ऊंचे ऊंचे कलाकारों का गाना चाहते हो और सीखना उनका एक पॉइंट परसेंट भी नहीं चाहते हो कि भाई क्यों सीखे पांच गुना सात गुना, सीधा सीधा गाना सिखाओ, खत्म करो यार, है ना। सीधी सीधी वो चार लाइनें जो उन्होंने गाई, वो चार लाइनें कितनी ग्रंथों के बाद वो चार लाइनें गवी हैं, वो चीज़ है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत सीखा जाता है, ये वजह है, है ना, कि उससे आपका बुद्धि का स्तर तैयार होगा, दिमाग तैयार होगा, फिर आपको क्या लेना। अब भाई बारहवीं तक या नवीं तक एटलीस्ट, हाँ नवीं तक तो कंपलसरी होते हैं सब्जेक्ट्स बहुत सारे, उसके बाद चॉइस आती है। एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, क्यों भाई संगीत को तो लोग एजुकेशन मानते नहीं, हॉबी मानते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम की एनालॉजी दे दूँ, एग्जाम्पल दे दूँ तो शायद समझ आ जाए। नवीं तक फिक्स है कि ये सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। उसके बाद इलेवन ट्वेल्थ में जाके आप स्ट्रीम चेंज करते हो कि आर्ट्स कॉमर्स या साइंस आप लेना चाहेंगे, स्पेसिफाई, है ना। उसमें फिर आप आगे फ्यूचर अपना तय करते हो। उसमें भी आर्ट्स में भी ऐसा नहीं कि भाई मुझे आर्ट्स में म्यूजिक चाहिए था, मुझे साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इंग्लिश पढ़नी पड़ी, कंपलसरी था भाई, कंपल्शन। क्यों है कंपल्शन? मैं तो म्यूजिक जाना चाहता हूँ ना, है ना। चहुमुखी विकास नहीं होता है, जैसा कि पिताजी भी अक्सर समझाते हैं ना, साइकोलॉजी के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार दिमाग के जो दो हिस्से हैं, आपका लेफ्ट ब्रेन कुछ और स्टडी करता है, राइट कुछ और बताता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें सीखी जाती हैं, दिमाग तैयार होगा, शरीर तैयार होगा, वरना क्या एक ही चीज़ कर लो फिर तो, है ना भाई। मैंने और ये भी मैंने उनको एग्जांपल दिया था, अच्छा याद आया अभी, कि एक शायद मार्शल आर्ट का है कि कुंफू का है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का कोट और किसका है, वो भी नहीं मालूम, पर चीज़ बड़ी अच्छी है कि वो इतना सब कुछ सीखा जाता है, इतनी डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट चीज़ें उसमें सीखते हैं, वो लोग ब्लैक बेल्ट हो जाते हैं, है ना, इतनी लड़ाइयाँ करते हैं। उनका ये मकसद नहीं है कि ये लड़ाई सीख कर मैं लड़ाई करूं, ये सोचने वाली बात है। उन लोगों का मकसद ये नहीं होता है कि वो शक्ति प्रदर्शन करूं जाके। मैंने कई कुंफू वालों से बात करी है, कराटे वालों से बात करी है, उन्होंने बताया कि हम लोग इसलिए नहीं सीखते हैं ताकि हम में ये ताकत आ जाए, वो चाहें तो अभी हम पांचों को इकट्ठा यहीं ढेर कर दें, पर वो नहीं करते हैं। शक्ति इसलिए अर्जित नहीं करते हैं कि प्रदर्शित कर सकें या उसका इस्तेमाल कर सकें, वो इसलिए करते हैं ताकि इस्तेमाल न करना पड़े। तो सोचो आप, ये शास्त्रीय संगीत की चीज़ें ये हम इसलिए सीखते हैं ताकि इनको प्रेजेंट करना कैसे छुपे हुए रूप में प्रेजेंट हो, है ना। लता जी ने शास्त्रीय संगीत के अलावा कुछ नहीं सीखा और गाया पूरा लाइट है, लेकिन उनकी गायकी बोलती है कि उसमें क्लासिकल है, छुपा हुआ है, अंदर होता है, है ना। उससे जब सामने निखर के आती है तभी तो आज लता जी को हम पूजते हैं और दूसरों को नहीं पूजते, उनमें क्या फर्क है, है ना।
दिमाग, दिमाग तैयार होता है ना। तो बुद्धि का स्तर बढ़ाना है तो शास्त्रीय संगीत सीखो, वरना ठीक है गाते रहो गाने अपने, क्या बुद्धि का स्तर नहीं बनेगा, यूनिक नहीं बनोगे और कुछ नहीं। यूनिक बनना है ना भाई, अलग तो बनना है ना, वरना तुम पहले सिंगर थोड़ी हो। आबादी मालूम है भारत की कितनी है? इतनी आबादी वाले क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, अपना नाम बनाना चाहते हो, और फिर ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहते हो जो दूसरे नहीं कर रहे, तो कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा है ना। इतनी आबादी वाले क्षेत्र में कहीं कहीं छोटे मोटे देश में पैदा हुए होते तो ठीक है चलो निपट भी लेते। बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं, और बहुत लोग संगीत में भी हैं, बहुत लोग हैं। अभी हमने देखा ही कि हम तो यहाँ बैठे हैं, हमको क्या मालूम, हम अपनी नज़र से उतना ही देख पाते हैं जितना हमारे पास ज्ञान है। बाहर निकलो मालूम चलेगा कितने लोग हैं, एक से एक बढ़ के करने वाले लोग हैं। इंडियन आइडल वगैरह देखते ही हो ना, कि भाई साहब भीड़ की भीड़ जाती है, उसमें से कुछ चंद सिलेक्ट होते हैं, उसमें से चंद आगे बढ़ते हैं, उसमें से एक जीतता है, फिर भी आगे पता नहीं उसका क्या होता है क्या नहीं होता है ना। हर जीतने वाला को काम भी नहीं मिल रहा होता है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूनिकनेस ही नहीं है ना, ना वो मल्टी टैलेंट है। भाई हम तो सिर्फ गाना ही गा लेते हैं, अरे नहीं हमें तो भाई दूसरा आदमी मिल रहा है जो गाता भी तुम्हारी स्तर का, लेकिन वो तो धुन भी बना लेता है, तो हम तो उसको काम देंगे ना। मल्टी टैलेंटेड होना भी ज़रूरी है ना? तो ये खैर कुछ चीज़ें हैं। शास्त्रीय संगीत क्यों सीखना चाहिए और फिल्मी गाने ही गाने हैं तब भी क्यों सीखना है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटी सी एनालॉजी है। 5 गुना 7 गुना 8 गुना 1.5 गुना 3 गुना मेरे को तो नहीं करना ये सब है ना, नहीं इच्छा है करने की, मत करो। फोर्स कौन कर रहा है, मत सीखो, कोई फोर्स नहीं कर रहा। छोड़ते जाओगे छूटती जाएंगी चीज़ें, राग पे आने की जल्दी होती है, सबको होती है भाई। उन्होंने भी, अर्चना जी ने भी जो मेरे को करके बताया, राग कर रही हैं, उससे पहले उन्होंने इतनी सारी लयकारियाँ भी करी, तालें भी करी, वो सब अलंकार भी किए, वो थाट भी किए, वो पिच सारे निपटाए, जो हमारा सिलेबस से स्वरांगिनी वो सब किया, फिर वो राग पर हैं है ना। कई बार वो जल्दी जल्दी में हो जाती हैं चीज़ें, ब्रश ऐसे ही निपटा लेते हैं, फिर वापस आते हैं बेस पे। UPSC की तैयारी करते हैं लोग, 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें उठाते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो बेस भूल चुके हैं। UPSC IAS की तैयारी कर रहा भाई साहब, जिसका क्या बोलते हैं, तैयारी के लिए क्या बोलते हैं, एक शर्त होती है भाई, आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। ग्रेजुएशन कर चुके हैं तब भी उठाते 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें, क्योंकि वो तो भूल गए ना, वो तो किया ही नहीं था है ना, उस समय तो ढंग से किया ही नहीं ना, उस समय तो हाँ जल्दी जल्दी आगे बढ़ो भाई, अगला वाला क्या है, अगला वाला क्या है, सबके मन में होता है ऐसा, आप ये लोग नहीं हो इकलौते, सबके मन में ये होता है। तो खैर, शास्त्रीय संगीत क्यों सीखना चाहिए, ये आज का टॉपिक था मेरे ख्याल से, आप लोगों को और जनता को समझ आया होगा, जिसने एंड तक देखा होगा उसको, वरना नहीं। ठीक है, चलिए।